हेलो एवरीवन वेलकम लर्निंग पॉइंट टू वी विल डिस्कस सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी रिवीजन नोट्स ऑफ चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस सो लेट्स स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स का या एंजाइम्स का ऑर्गेनिज़म से निकाले हुए एंजाइम्स का यूज़ करके प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट एंड कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं बहुत सारे प्रोसेसेस जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जिससे टेस्ट्यूब बेबी प्रोड्यूस होगा सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट डेवलपिंग अ डी वैक्सीन करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं ठीक है इन इनविट्रो फर्टिलइजेशन टेस्ट्यूब बेबी प्रोग्राम सिंथेसाइजिंग जीन उसको जीन को जो हमने सिंथेसाइज किया उसको यूज़ करना डेवलप करना डीएनए वैक्सीन को कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको करेक्ट करना ये सब किसके पार्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं है। अब देखिए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ई ने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी थी दैट कम्प्राइसिस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी जो डेफिनीशन है वो क्या है द इंटीग्रेशन ऑफ नैचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम सेल्स पार्ट्स देर ऑफ़ एंड मोलिकुलर एनालॉगर्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की दी हुई डेफिनेशन है ठीक है जो इंटीग्रेशन होता है इसमें मतलब नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम सेल्स उनके पार्ट्स जो भी मोलिकुलर एनालॉग्स हैं ठीक है उनके प्रोडक्ट्स सर्विसेज उन सब का यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो जो मा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो टू मेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है फर्स्ट है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम डीएनए और आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो जीनोम है डीएनए है आरएनए है उनका डायरेक्ट मैनिपुलेशन करना चेंज करना उनमें यह है जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है इसमें क्या होता है ट्रांसफ़र होता है न्यू जीन्स का न्यू जीन्स का ट्रांसफ़र होता है क्यों होता है इम्प्रूव करने के लिए द फंक्शन और ट्रेड ट्रेड मीन्स होता है कैरेक्टर ट्रेड को फंक्शन को होस्ट ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को उनके कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए दिस चेंजेस द फीनो टाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म फिनो टाइप मीन्स फिजिकल अपियरेंस तो फिनो टाइप को चेंज कर दिया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज़म को होस्ट ऑर्गेनिज़म मीन्स कि जिसमें हम न्यू जीन्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या है होस्ट ऑर्गेनिज्म है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल कंडीशन स्ट्राइल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में ताकि ग्रोथ करवा सकें ओनली डिज़ायर्ड माइक्रोब्स की मींस जो माइक्रोब्स हमें चाहिए उसकी ग्रोथ करवा सकें फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं वैक्सीन्स प्रिपेयर की जाती हैं एनजाइम्स हैं ये सब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही प्रिपेयर किए जाते हैं इसके लिए स्टराइल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है अब देखिए ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो यूज़ हो रहा है प्लांट्स में एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाने के लिए लेट्स टू तो इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड ट्रेट तो ये जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं ना जब टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स आते हैं उनके साथ अनडिज़ायरेबल जीन का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ऐसे जीन्स का मल्टीप्लिकेशन होना जो हमें नहीं चाहिए वो है अनडिज़ायरेबल जीन जो हमें नहीं चाहिए ठीक है वो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं उनका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अब ये जो टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिसमें क्रिएशन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जीन क्लोनिंग का यूज करके जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन्स इन टू द टारगेट ऑर्गेनिज्म ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करवाते हैं कैसे क्रिएट करवाते हैं जीन क्लोनिंग का जीन ट्रांसफर का यूज़ करके इसमें हम अलाउ करते हैं आइसोलेट करके आइसोलेट मीन्स कि जो जीन हमें चाहिए हमने केवल वही जीन इंट्रोड्यूस करवाया डिजायरेबल जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया अनडिजायरेबल जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है टारगेट ऑर्गेनिज्म जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें इंट्रोड्यूस करवाना है वो टारगेट ऑर्गेनिज्म है ठीक है अब देखिए इन न क्रोमोजोम देर इज अपेसिफिक डी एन ए सीक्वेंस एक क्रोमोजोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन वो ही रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर इनिशिएटिंग रेप्लीकेशन मीन वहीं से स्टार्ट होगा इनिशिएट स्टार्ट होना तो से होगा. कहां से ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन से देर फोर फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑफ एनी एलियन स्पेशीज किसी भी एलियन स्पीशीज मीन्स जो बाहर से एलियन पीस जो हमने बाहर से इंट्रोड्यूस किया है एलियन पीस ऑफ डीएनए जो हमने

स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है उसको ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन बोला जाता है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लीकेशन देआर फोर फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलियन पीस ऑफ डी एन ए इन एन ऑर्गेनिज्म एलियन पीस ऑफ डी एन ए मीन्स की जो बाहर से डी एन ए का पीस एंटर किया गया है ट्रांसफर किया गया है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है ऑर्गेनिज्म में तभी होगा वो जब इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोजोम क्रोमोजोम का ही पार्ट होना चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई करेगा <laughs> अलग से ऐसे एलियन पीस डीएनए का डाल देंगे तो वो मल्टीप्लाई थोड़ा ना करेगा जब तक क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होगा विच हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही डाला जाना है और उसको बोलेंगे हम ऑरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन दिस इसलिए जो एलियन डी एन ए है वो लिंक्ड होता है ऑरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन के साथ लिंक्ड किया जाता है उसको इसलिए ताकि वो एलियन पीस ऑफ डी एन ए रेप्लीकेट कर सके अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर कर सके इन द होस्ट ऑर्गेनिज़म इसको हम क्या बोलते हैं जो एलियन पीस ऑफ डीएनए की कॉपीज प्रिपेयर करना उसको मल्टीप्लाई करना उसका रेप्लीकेशन होना उसको क्लोनिंग बोला जाता है क्लोनिंग मीन्स मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डी एन ए टेम्पलेट डी वही जो एलियन पीस ऑफ डी हमने एंटर करवाया है होस्ट ऑर्गेनिज्म में ठीक है तो क्लोनिंग मीन्स मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बहुत सारी एक जैसी कॉपीज को प्रिपेयर करवाना एनी टेम्पलेट डीएनए की द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब बनाया गया था इमर्ज हुई थी तब इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एंड कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद आ नेटिव प्लाजमेट ऑफ सालमोनीला टाइफिम्यूरियम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ था कैसे हुआ था कैसे फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन जीन को लिंक किया गया था जो एनकोड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है वो ठीक है उस पर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा मतलब विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनीला टाइफीम्यूरियम साल्मोनीला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया है जो प्ला उसके जो प्लाज्मिड होता है प्लाज्मिट क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर ठीक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर उसको प्लाज्मिड बोलते हैं उस नेटिव प्लाज्मिड में उसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कोड कर दिया गया था इनकोड कर दिया गया था लिंक कर दिया गया था तो इस पॉसिबिलिटी से क्या हुआ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था अब ये दो साइंटिस्ट के नेम्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन दोनों ने 1972 में आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उन्होंने आइसोलेट किया पता लगाया उसको बाहर निकाला उसको कैसे निकाला बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए डीएनए के एक पीस को कट करके किससे से प्लास्मिट से प्लाजमेट देखिए क्या है प्लाज्मिट पूछा जाएगा क्या है तो आपको लिखना है ऑटोनॉमसली रैप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए किसका ए किसका सालमोनी का ठीक है ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग ऑटोनॉमसली मीन्स खुद से अपने आप से ही रेप्लीकेट हो सकता है ये सर्कुलर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है मतलब इसमें जो ऑरिजिनल क्रोमोजोम या डीएनए होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है ये सर्कुलर डीएनए होता है प्लाजमेड क्या है सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है किसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर वो एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है जो खुद से रेप्लीकेट कर सकता है ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग है सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी है किसके अंदर सालमोनी टाइफिक म्यूरियम के अंदर उसके प्लाजमेड से कट किया था डीएनए का एक पीस जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसके अंदर ठीक है अब जब कटिंग ऑफ डीएनए डीएनए की कटिंग स्पेसिफिक लोकेशन पर पॉसिबल कैसे हुई डीएनए तो खुद ही इतना छोटा होता है लेकिन उस पर भी स्पेसिफिक लोकेशन uh, पे हमने डीएनए की कटिंग की कैसे तो विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीज़र मॉलिक्यूलर सीज़र की डिस्कवरी उससे पहले हो चुकी थी मॉलिक्यूलर सीज़र क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीज़र जो कट पीस ऑफ डीएनए है उसको फिर लिंक किया गया जोड़ा गया प्लाज्मा डीएनए के साथ ठीक है दीस प्लाज्मा डी एन ए ये जो प्लाज्मा डी एन ए था वो एक्ट करता है वै वे, वैक्टर की तरह प्लाज्मा डी एन ए के साथ लिंक किया गया कट पीस ऑफ डी एन ए को ये प्लाज्मा डी एन ए तरह वर्क कर रहा है वैक्टर की तरह वर्क कर रहा है जैसे प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया होता है मलेरिया वाला जो मच्छर होता है ना तो मॉस्किटो के अंदर होता है वो उस मॉस वो मॉस्किटो जो है वो किसकी तरह वर्क करता है वेक्टर की तरह इसी तरीके से प्लाजमिट डीएनए ने एक्ट किया यहाँ पर वेक्टर की तरह टू ट्रांसफ़र द पीस ऑफ डीएनए डीएनए का वो पीस ट्रांसफ़र करने के लिए जो उससे अटैच्ड है डीएनए का डिजायरेबल डीएनए का ए एलियन पीस ऑफ डीएनए था वो प्लाज्मिट डीएनए डी से लिंक किया उसको फिर ट्रांसफ़र करने के लिए प्लाज्मिट का यूज़ किया प्लाजमिट कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डी एन ए इन टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लाज्मिट को वैक्टर की तरह यूज़ किया एलियन पीस ऑफ डी एन ए की डिलीवरी करने के लिए डिलीवर करने के लिए किस में डिलीवर करना था उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसकी लिंकिंग प्लाज्मिट वेक्टर के साथ कैसे पॉसिबल हुई उसको जोड़ा कैसे कट कर लिया उसको अलग कर लिया उसको प्लाज्मिट वेक्टर के साथ लिंक किया कैसे उसको तो लिंक करने के लिए क्या किया था एंजाइम लाइगेस का यूज किया था एंजाइम लाइगेस विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल जो कट किया हुआ था डीएनए मॉलिक्यूल उस पर उसने एक्ट किया और दोनों एंड्स को उसने जोड़ दिया किसने एंजाइम लाइगेज ने दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डी एन ए इससे एक न्यू कॉम्बिनेशन बन गया था ऑटोनॉमसली मीन्स खुद से रेप्लीकेट होने वाला रेप्लीकेट मतलब कॉपी प्रिपेयर करना रेप्लिकेट होने वाला डी एन ए की एक न्यू कॉम्बिनेशन बन गया था अब कहाँ पर बना था इन विट्रो इन विट्रो का मीनिंग होता है लेबोरेटरी में उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डी एन ए क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है ना ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग डीएनए का इन विट्रो में जो क्रिएट किया गया है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब देखिए वैन दिस डी एन एज ट्रांसफर्ड इन टू ई ईकोलाई एक बैक्टीरिया है जब इस डी एन ए को ईकोलाई e. में ट्रांसफर किया गया तो इट कुड रेप्लीकेट वो रेप्लीकेट तो कर सकता है वो कैसे यूजिंग द न्यू होस्ट डी एन ए पॉलीमरीज एंजाइम होस्ट के रेप्लिकेशन के लिए डी एन ए पॉलीमरीज एनजाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ये रेप्लिकेट कर गया है होस्ट के ही डीएनए एंजाइम का यूज किया उसने और रेप्लीकेट कर लिया अपनी कॉपीज बहुत सारी तैयार कर ली मेक मल्टीपल कॉपीज द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जी एन ईकोलाइव वॉज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ईकोलाई जो एबिलिटी है बहुत सारी कॉपीज़ को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बहुत सारी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करने की जो एबिलिटी है ईकोलाई e. में उसको क्या बोला जाता है क्लोनिंग करना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की ईकोलाई e. में क्या किया है क्लोनिंग की है ठीक है रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी और कॉल और ऑल्सो कॉल जेनेटिक इंजीनियरिंग डी कम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है डील्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी तो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है ये डील करती है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक मटीरियल का आर्टिफिशियल तरीके से न्यू कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन करवाना कहाँ पर लेबोरेटरी में रिकॉम्बिनेट डी एन ए आर डी एन ए के जो मॉलिक्यूल हैं रिकॉम्बिनेंट डी एन ए के फिर उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है होस्ट सेल में ठीक जब न्यू कॉम्बिनेशन बन गए हैं उसके बाद उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया वहाँ पर दे कैन बी प्रोपिगेटेड एंड मल्टीप्लाई वहाँ पर वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टेप्स क्या है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे डीएनए का जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन है जिसमें हम वो वाला जीन है जो हमें चाहिए इंट्रोडक्शन करवाएंगे फिर आइडेंटिफाइड डीएनए की होस्ट के अंदर फिर क्या होगा फिर मेंटेनेंस भी तो करनी पड़ेगी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी फिर इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए जो इंट्रोड्यूस किया है डीएनए होस्ट में उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा और फिर ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा डीएनए को प्रोगेनी में प्रोगेनी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जो फी जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में फीटल स्टेज होगी मतलब उसमें भी तो उसको ट्रांसफर करवाना होगा ना प्रोगेनी में उसकी ट्रांसफ़र करवाना होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स अब टूल्स क्या क्या चाहिए ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए जो मॉलिकुलर सीज़र की तरह वर्क करेंगी ठीक है मोलिकुलर सीज़र था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है उससे ही तो कट किया था डी के पीस को अब इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए ताकि डीएनए का एप्लीकेशन हो सके लाइगेस चाहिए लाइगेस क्यों चाहिए लिंक करवाने के लिए डीएनए को फिर इसके बाद वेक्टर चाहिए वेक्टर क्या करेगा ट्रांसफर करवाने का काम करेगा बैक्टीरिया के अंदर फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए आप देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मोलिकुलर सीजर बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से एक बड़ी क्लास है एंजाइम की न्यूक्लियजिस जिनको बोला जाता है उन्हीं के कुछ एंजाइम्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देयर आर ऑफ टू काइंड्स के होते हैं जो न्यूक्लियज हैं उनके टू पार्ट हैंजो न्यूक्लियज एंड एंडो न्यूक्लियज एक्जो न्यूक्लियज एंड एंडो न्यूक्लियज टू टाइप्स हैं न्यूक्लियज के देखिए जो एक्जो न्यूक्लियज तो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए डीएनए के एंड वाली साइड से लास्ट से मतलब उसको रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को जबकि जो एंडो न्यूक्लियस होते हैं एंडो एंडोमीन्स अंदर एक्जोमीन्स बाहर तो ये तो बाहर वाली साइड से एंड की साइड से डीएनए को डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं बट जो एंडो न्यूक्लियस हैं वो कट लगाते हैं कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस पर विद इन द डीएनए डीएनए के अंदर वाली तरफ कट लगाएंगे ये ठीक है एग्जाम्पल जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है हिंड सेकेंड ये हमेशा कट करता है डी एन ए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे बाई रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर ये सिक्स बेस पेयर की सिक्स बेस पेयर की स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान लेता है रिकॉग्नाइज कर लेता है और वहां पर यह कट कर सकता है दिस स्पेसिफिक जो बेस सीक्वेंस है उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं हिंड सेकेंड की ठीक है हिंड सेकेंड वहीं कट करेगा कहाँ पर जहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी सिक्स बेस पेयर की अदरवाइज वो कट नहीं लगाएगा ठीक है एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होती है ये ये है ग्रुप ऑफ लेटर जो फॉर्म करते हैं सेम वर्ड वैन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जैसे मलयालम है मलयालम को चाहे हम इस साइड से पढ़ें चाहे हम इस साइड से पढ़ें पढ़ा मलयालम ही जाएगा ठीक है देखिये तो वो न, रेस्ट कुछ ये रेस्ट्रिक्शन एंडो पहचान लेते हैं स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए में पैलिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर एग्जांपल मलयालम जैसे देखिए यहाँ पर फिफ्थ टू थर्ड है जी ए ए टी टी सी अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे और अगर हम फिफ्थ टू थर्ड इस साइड से पढ़ेंगे तब भी जी ए ए टी टी सी आ रहा है तो द पैलिन इन डी एन ए इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर की सीक्वेंस है ये जो रीड की जाती है सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स वैन ऑरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज कैप्ट द सेम ऑरिएंटेशन मीन्स कि हमेशा हमें पढ़ना फिफ्थ टू थर्ड ही है ठीक है फिफ्थ टू थर्ड थर्ड टू फिफ्थ नहीं पढ़ेंगे तो वो चेंज हो जाएगी सीक्वेंस आप देखिए यहाँ पर एंजाइम कट कर रहा है बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट पर सेम साइट पर दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को एंजाइम कट कर रहा है ये वैक्टर डीएनए है वैक्टर का डीएनए और ये क्या है आपका फॉरेन डीएनए ये ई को आर आर्व, वन ई को आर वन कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली वैन द सीक्वेंस ऑफ जी ए ए टी टी सी प्रेजेंट इन द डीएनए ये जी ए ए टी टी सी जहां पर सीक्वेंस प्रेजेंट होगी ना वहीं पर ई आर वन कट करेगा डी एन ए की डी एन ए को ठीक है ये देखिए यहाँ से वैक्टर डी एन ए ये स्टिकी एंड है स्टिकी एंड मतलब यहाँ पे ये आके इस तरीके से चिपक जाएगा स्टिक हो जाएगा अब ये डी एन ए फ्रेगमेंट ज्वाइन हो गए हैं स्टिकी एंड्स पर और ये इस तरीके से पूरा रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बन चुका है अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रेंथ्स ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेलेंड्रोम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करता है इस डीएनए का स्ट्रेंड थोड़ा दूर को कट करता है मतलब जो सेंटर है ना पैलेंड्रोम का मान लीजिए जो पैलेंड्रोम वाली साइट है वो यहाँ पे है तो थोड़ा दूर तक कट करेगा इस तरीके से यहाँ पे कट लगाएगा वो थोड़ा दूर कट लगाएगा ठीक है क्यों फ्राम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोम साइड बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रेंड्स हैविंग स्टिकी स्ट्रेंड वो थोड़ा दूर को कट लगाता है ताकि जो डी एन ए लाइगेज एंजाइम है वो आसानी से उसको स्ट्रेंड को लाइगेज कर सके मतलब इम, उसको लिंक कर सके द स्टिकीनेस ऑफ द स्ट्रेंड्स फैसिलिटेट्स फैसिलिटीज द एक्शन ऑफ द एनजाइम डी एन ए लाइगेज जो स्टिकीनेस होती है स्ट्रेंड्स में उसकी ही वजह से डी एन ए लाइगेज एंजाइम उसको लिंक कर सकता है रेस्ट्रिक्शन यूज होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में ताकि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ जीनोम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होती है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनते हैं डीएनए के उनको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये कंपोज होते हैं डीएनए से फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जीनोम से विच आर कंपोज ऑफ डीएनए ये डीएनए से कंपोज होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ और जीनोम अब जब कट किया जाता है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्टेंट डीएनए एन फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं उनमें सेम तरीके की स्टिकीनेस है, होते हैं एंड कैन बी ज्वाइन टूगेदर यूजिंग डी एन ए सेम काइंड के स्टिकी एंड होते हैं देखिए जैसे यहाँ पर कट किया है इसको तो ये यहाँ पर ये टी टी ए है और यहाँ भी टी टी ए है ए है ठीक है तो मतलब सेम काइंड की डी एन ए होती है वैन कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कट करेगा ये नहीं अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कटिंग कर दी है तो क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कट करेगा क्योंकि डी एन ए फ्रेगमेंट्स हमें सेम uh, चाहिए सेम काइंड की स्टिकी एंड चाहिए कैन भी ज्वाइन टुगेदर वो ही तो ज्वाइन करेंगे डी एन ए लाइ उसी को तो ज्वाइन कर देगा ऐसे थोड़ा है कहीं भी कुछ भी ज्वाइन कर देगा ये देखिए ये फॉरन डी एन ए है और ये वेक्टर डीएनए एन ए सर्कुलर होता है ना प्लाजमिट वेक्टर डीएनए का प्लाजमिट सर्कुलर होता है तो ये सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कटिंग की बोथ फॉरेन डीएनए की इस फॉरेन डीएनए की भी इसी एंजाइम ने कटिंग की सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने और यहाँ पर जो वेक्टर डीएनए है उसकी कटिंग भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने की ये देखिए ये कट पीस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लाइगेज ने फिर क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया फ़ॉरन डी टू प्लाजमेट ये वाला जो फॉरन डी है इसको ला इस पोजिशन पर लाइगेज ने ज्वाइन कर दिया यहाँ ये ज्वाइन हो गया अब क्या हुआ फिर ज्वाइन होने के बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो ई e. कोलाई है उसके अंदर इस डीएनए को हमने डाल दिया डालने के बाद ये सेल्स डिवाइड हो गई तो ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था हमारा ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होगा ठीक है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो ये <coughs> ये लार्जेस्ट जो होते हैं वो पहले आते हैं और जो इस, जितने छोटे होते जाएंगे वो उतनी ही दूर जाते जाएंगे डीएनए के बैंड्स सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट द फ्रेगमेंट ऑफ डी एन एपटेंड बाय कटिंग डी एन ए डी एन ए को कट करके जो फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए हमें ऑप्टेंड होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके उसको सेपरेट किया जाता है बाय टेक्निक कॉल्ड जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो हमने फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बना लिए ठीक है इस तरीके से ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं बहुत सारे बाय कटिंग डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कट यूज़ करके डी को हमने कट कर लिया उनके फ्रेगमेंट्स में अब हम मान लीजिए ये है हमारा डिजायरेबल जीन जो हमें चाहिए तो हम उसमें पता कैसे लगाएं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं सेपरेट करने के लिए अलग करने के लिए उसको निगेटिवली चार्ज डी डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स... देखिए जो डी एन हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं ये ध्यान रखना ठीक है कैन बी सेपरेटेड उनको हम सेपरेट करते हैं बाई फोर्सिंग दैम टू मूव टुवार्ड्स द एनोड एनोड की साइड लेकर जाते हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इसलिए एनोड की साइड जाएंगे एनोड पॉजिटिव होता है पॉजिटिव वाला टर्मिनल है एनोड तो वो नेगेटिवली चार्ज डी एन ए की साइड जाएंगे अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में थ्रू मीडियम जब हम उसको मीडियम प्रोवाइड करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल सीविंग इफेक्ट वही इफेक्ट कि जो लार्जेस्ट है वो बिल्कुल पास होगा और स्मॉलेस्ट होगा जो डीएनए का बैंड वो उतनी ही दूर जाकर गिरेगा ठीक है जब हम जेल एगरोज जेल प्रोवाइड करेंगे ठीक है सीविंग मतलब होता है छाना द सेपरेटेड डी एन ए फ्रेगमेंट्स अब जो सेपरेटेड डी एन ए फ्रेगमेंट्स हैं उनको देखेंगे कैसे क्योंकि वो तो बहुत ही छोटे होंगे तो विजुअलाइज करते हैं हम उनको स्टेनिंग कर देते हैं उनकी स्टेनिंग मतलब उनको कलर कर देते हैं डी एन ए को किस से इथीडियम इथीडियम है ये इथीडियम ब्रोमाइड से इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग कर देते हैं उन डीएनए को इस्टीडियम ब्रोमाइड एक डाई होती है ठीक है फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी लाइट फिर इथीडियम ब्रोमाइड से पहले हमने इनको इथीडियम ब्रोमाइड से कलर किया ठीक है फिर क्या किया इन पर यू लाइट यू लाइट डाल दी एक्सपोज की यू लाइट अब जो सेपरेटेड बैंडस होंगे डी के सेपरेटेड बैंडस ऑफ डी आर सेपरेटेड फ्रॉम एगरोज जेल एगरोज जेल से अब अलग हो जाएंगे ठीक है एंड एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे जेल में से ये जेल है इसी के ऊपर डीएनए है यहाँ पर ठीक है फिर इस जेल में से ही हम उनको अलग कर लेते हैं इल्यूशन से किससे अलग किया जाता है इल्यूशन से डीएनए के फ्रेगमेंट प्योरीफाई किए जाते हैं इस तरीके से यूज करके रिकॉम्बिनेशन का क्लोनिंग वेक्टर क्या है तो प्लाज्मिट और बैक्टीरियो जो हैं प्लाज्मिट एंड बैक्टीरियो ठीक है ये कॉमनली यूज होते हैं वैक्टर की तरह क्लोनिंग करने के लिए क्लोनिंग मीन्स वॉट इज क्लोनिंग मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर करवाना ठीक है तो वेक्टर का यूज करके हम क्लोनिंग करवाते हैं दे हैव एबिलिटी टू रेप्लीकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए देखिए जब ये डीएनए प्लाज्मेट वेक्टर के थ्रू अंदर चला जाता है किसी बैक्टीरिया के तो वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है दे हैव एबिलिटी उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट करे बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंट खुद से रेप्लिकेट कर सकता है वो बिना क्रोमोजोमल डीएनए के कंट्रोल से क्रोमोजोमल डी पे उस से उसका कोई लेना देना नहीं है वो खुद से रेप्लीकेट कर लेगा बैक्टीरियो फेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल बैक्टीरियो फेजेस जो बैक्टीरिया वो बैक्टीरियो फेजेस जो हैं वो क्या करते हैं वो उनका हाई नंबर होता है पर सेल मतलब वो एक बार में रिप्लिकेट ज़्यादा कर पाएंगे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ़ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल उनका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा होता है बैक्टीरियल सेल में फॉलोइंग फीचर्स आर रिक्वायर टू फैसे क्लोनिंग इन टू अ वैक्टर जब किसी वैक्टर में क्लोनिंग करनी होती है तो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन चाहिए होता है जहाँ से रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो जब सीक्वेंस चाहिए होती है जहाँ से रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा एंड एनी पीस ऑफ डी एन ए जब लिंक करता है इस सीक्वेंस में तब वो रेप्लीकेशन कर पाता है विद इन द होस्ट सेल्स होस्ट सेल्स के अंदर ये जो सीक्वेंस है वो रिस्पांसिबल है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए ये सीक्वेंस रिस्पांसिबल होती है इसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए होता है ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में द एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट क्या है जिनको रिकॉम्बिनेंट डी एन बना लिया गया है जिनको रिकॉम्बिनेंट कर लिया गया है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं ठीक है ठीके? वो हेल्प करता है कि हमें पहचानने में कि कौन सा मतलब ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर सकें हटा सकें ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक पीस डीएनए का इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है होस्ट के बैक्टीरिया में जनरली जो जीन्स होते हैं एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ऐसे जीन जो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं वो हैं एम्पीसिल क्लोरम टेट्रासाइक्लिन कैन माइसिन एक्सेट्रा ये सारे हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनको कंसीडर किया जाता है यूजफ़ुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ईकोलाई मतलब अगर उस जगह पर होगा तो एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वो यूज़फुल सेलेक्टेबल मार्कर है ठीक है यूजफुल साइट है वो अब देखिए क्लोनिंग साइट टू लिंक द फॉरन डी एन ए फॉरन डी एन ए को लिंक करने के लिए वैक्टर को ज़रूरत होती है सिंगल रिकॉग्नीशन साइट की देखिए सेलेक्टेबल मार्कर है जैसे ये एक सेलेक्टेबल मार्कर क्या है कि यहां पे ऐड कर सकते हैं डीएनए यहां पर ऐड कर सकते हैं यहां पर ऐड कर सकते हैं यहां पर ऐड कर सकते हैं ये चार सेलेक्टेबल मार्कर हो गए अब लेकिन हमें ऐड तो कहीं एक पे ही करना होगा ना तो ये क्या होगा जो एक जिस पे हमने ऐड किया यहां पर ऐड कर दिया मान लीजिए लिंक किया यहां पर डीएनए को तो ये हो गई है क्लोनिंग साइट ये फोर सेलेक्टेबल मार्कर हो गए ठीक है वन टू थ्री फोर लेकिन उनमें से क्लोनिंग साइट तो कोई एक ही होगी ना जहां पर हम उसको लिंक करेंगे फॉरन पीस ऑफ डी को वो क्या है क्लोनिंग साइट है तो देखिए टू लिंक द फॉर डी एन ए फॉरन डी एन ए को लिंक करने के लिए वैक्टर नीड टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट केवल एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए होती है फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंड एज प्रजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी एक वैक्टर के अंदर तो वो जनरेट कर देंगी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग इससे जीन क्लोनिंग कॉम्प्लीकेट हो जाएगी जो लाइगेशन है फॉरन डी एन ए का लाइगेशन मीन्स उसको लिंक करवाना है ठीक है Enzyme, uh, है एंजाइम लाइगेस करवाता ना लाइगेशन लाइगेशन तो फॉरेन डीएनए का आउट होता है रेस्ट्रिक्शन साइट जो प्रेजेंट होती है इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दोनों में से किसी एक जीन पे वो रेस्ट्रिक्शन साइट मान ली जाएगी ठीक है अब ये यहां पर पी बी आर थ्री टू टू का डायग्राम है ये पूरा ये देखिए टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं यहाँ पर एक एम्पिसलीन रेजिस्टेंस और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर लिंक करवाएंगे तो एम्पिसलिन एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और अगर यहाँ पर ऐड करवाएंगे बाम एच वन साइट पे या साल वन साइट पे तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ठीक है नाउ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है ये पी बी आर थ्री टू टू ई का क्लोनिंग वेक्टर पी बी आर थ्री टू टू है ये शो कर रहा है रेस्ट्रिक्शन साइट्स रेस्ट्रिक्शन साइट्स मीन्स जहाँ पे एड करवा सकते हैं लिंक करवा सकते हैं हम हिंड थर्ड ई को आर वन बाम एच वन शार वन पी वी यू सेकेंड पी एस वन आ, क्लेव वन ठीक है एंड ओरी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पर एम्पिसिन रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलीन ये दो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनकी रेजिस्टेंस वाली साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं आरोपी कोर्ट करता है प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ द प्लाजमेट आर ओपी क्या है यहाँ पर जो प्रोटीन इन्वॉल्व है रेप्लीकेशन ऑफ द प्लाजमिट में एंड नाउ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखिए मोस्ट एफिशियंट जो मेथड है स्क्रीनिंग का फॉर द प्रेजेंस ऑफ recombinant plasmid, वो किस पर बेस्ड है प्रिंसिपल दैट द क्लोन्ड डीएनए एन ए फ्रेगमेंट डिस्ट्रप्ट द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ जीन दिस इज टम्बड एज इंसर्शनल इन मींस जो मोस्ट एफिशिएंट स्क्रीनिंग है ना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट की प्रेजेंस के लिए वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो क्लोन्ड डी फ्रेगमेंट है वो बेकार कर देगा खराब कर देगा कोडिंग सीक्वेंस को जीन की इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंसर्ट करने पर इंसर्ट जब कर दिया है डीएनए दि, में हमने यहाँ पर मान लीजिए इंसर्ट किया है डीएनए में तो क्या होगा इंसर्ट करने पर लिंक करने पर इनएक्टिवेशन हो जाएगा एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इनएक्टिवेशन हो जाएगा फॉर एग्जांपल देखिए द पावरफुल मेथड ऑफ स्क्रीनिंग द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेट प्लाज्मा डिज रेफर टू एज ब्लू वाइट सेलेक्शन ये ब्लू वाइट सेलेक्शन मैथड से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पर बेस्ड है यह मैथड ऑफ द लैक जेड जीन लैक जेड जीन के प्रेजेंट ऑन द वैक्टर देखिए द जब द लैक जेड जीन एनकोड करेगा एनजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेजो जेड जीन जो है ना लेकिन

इन टू अ ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट में क्रोमोजेनिक जो भी सबस्ट्रेट यूज हुआ है वहां पर उसको ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाएगा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता है एंजाइम का काम क्या होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होगा क्रोमोजेनिक मीन्स जो कलर्ड वाला सबस्ट्रेट होगा उसको ब्लू कलर के प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट कर देगा क्या बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज अगर ये लैक जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया इंसर्शन करने के बाद इंसर्शन मतलब लाइगेशन करने के बाद लिंक करने के बाद अगर लैक जेड जीन इनएक्टिवेट कर गया ऑफ आर टारगेट डीएनए एन ए फ्रैगमेंट इन टू एट जो भी टारगेट डीएनए एन फ्रेगमेंट उसमें डाला गया है उसको इंसर्शन इनएक्टिव करने के बाद इनएक्टिवेट कर दिया अगर इसने तो डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू कलर विल बी प्रिवेंटेड तब थोड़ा डेवलपमेंट होगा ब्लू कलर का अगर लेग like जीन ही इनएक्टिवेट हो गया है इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा ब्लू कलर नहीं बनेगा एंड फिर वो वाइट कलर की कॉलोनी बनाएगा ठीक है इस तरीके से हम डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट कौन सा वाला होगा जब इंसर्शन कर दिया गया होगा तब उसका वर्क बेकार हो जाएगा वो वर्क ही नहीं करेगा नॉन फंक्शनल हो जाएगा लेग like जीन तो वाइट कलर बनेगा ठीक है रि रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट अगर बन गया है तो वाइट कलर होगा और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है अभी लिंक नहीं किया गया है तो ब्लू कलर बनेगी कॉलोनी ठीक है जीन का वर्क क्या था एक बार फिर से देखिए इसको द पावरफुल मैथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाजमिट ये स्क्रीनिंग का ये पहचानने का पावरफुल मैथड है क्या पहचानने का रिकॉम्बिनेंट प्लाजमिट को पहचानने का रिकॉम्बिनेंट प्लाजमिट प्रेजेंट है या नहीं है इसको ब्लू वाइट सिलेक्शन भी बोला जाता है इस मैथड में क्या होगा इन इनएक्टिवेशन ऑफ द लैक जेड जीन इनसर्ट करने पर इनएक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अगर फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया तो लैक जेड जीन क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा इनएक्टिवेट हो जाएगा ठीक है ऑन द वेक्टर वेक्टर के ऊपर ठीक है वेक्टर पे अगर मतलब हमने कर दिया उसको तो वो फिर इनएक्टिवेट हो जाएगा वेक्टर के अंदर अब देखिए लेग जेड जीन का काम क्या है सबसे पहले उसका फंक्शन देखिए वो एंजाइम बीटा गलेक्टो को बनाएगा बीटा गलेक्टो एंजाइम है वो क्या करेगा एंजाइम का फंक्शन क्या होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करना वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ब्लू कलर का प्रोडक्ट में चेंज कर देगा अगर लेकिन लेग जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया है ना लेग जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया तो बीटा गलेक्टो इनकोड ही नहीं हो पाएगा ठीक है लेक जेड जीन इज इनएक्टिवेटेड बाई इंसर्शन ऑफ अर टारगेट डी एन ए फ्रेगमेंट टारगेट डी एन ए फ्रेगमेंट को हमने इंसर्ट किया लेगजैड जीन अब इनएक्टिवेट हो गया द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू कलर विल बी प्रिवेंटेड तो डेवलपमेंट ब्लू कलर का हो गई नहीं ना प्रोडक्ट ब्लू कलर का बनेगा ही नहीं ना क्योंकि जीन तो पहले ही इनएक्टिवेट है उसने एंजाइम ही नहीं बनाया अभी टागलेक्ट्रो साइडेज तो वाइट कलर की कॉलोनीज ही रहेंगी क्योंकि इनएक्टिवेट हो चुका है लेगजैड जीन इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अगर वाइट कलर की कॉलोनी बनी तो मतलब कि लेग्जेडजीन इनएक्टिवेट है इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट हो चुका है ठीक और अगर ब्लू कलर की कॉलोनी बनेंगी तो लेगजेडजीन अपना काम कर रहा है वो एक्टिवेट है एंजाइम बीटा बिटागलेक्टोसाइडिस की फॉर्मेशन कर रहा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ठीक है अब देखिए वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है ट्यूमिफेशियन की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है यहाँ पर देखिए जो लेग्स एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन है ये पैथोजन है होता है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ये एबल है टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए डीएनए के एक पीस को ये डिलीवर कर सकता है डाल सकता है जिसको हम टी डीएनए बोलेंगे टू ट्रांसफॉर्म कर देगा नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू तो प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन सबसे पहले तो क्या है ये डायकॉट प्लांट का पैथोजन है जो डाइकॉट प्लांट में कोई डिजीज कर सकता है ठीक है पैथोजन क्या होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं पैथोजन जो डिजीज कर देते हैं किसी भी प्लांट में या किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज कर रहे हैं तो वो पैथोजन है तो डाइकॉट प्लांट का पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैसियन. इसको हमने यूज़ कर लिया इसका हमने यूज़फुल तरीके से यूज़ किया मतलब इसको हमने एबल कर दिया अब कि ये हमारा जो डीएनए का पीस है ये वैसे भी प्लांट में जाके इन्फेक्शन कर सकता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन लेकिन अगर हम इसका अपने तरीके से यूज़ कर लें तो ये हमारे लिए हार्मफुल की जगह हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा तो हमने क्या किया इससे डिलीवरी करवा दी किसकी डी के एक पीस को डिलीवर करवा दिया जिसको हम टी डी बोल रहे हैं क्यों डीएनए के पीस को डिलीवर करवाया प्लांट के अंदर डीएनए के पीस को डिलीवर करवा दिया है क्यों ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो नॉर्मल प्लांट था ना अब वो ट्यूमर के नॉर्मल प्लांट सेल्स में ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स उसको हमने ट्यूमर के लिए ट्यूमर के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया ठीक है अब ये जो ट्यूमर वाली सेल्स होंगी ये प्रोड्यूस करेंगी ऐसा केमिकल जो पैथोजन के लिए चाहिए होगा जो पैथोजन को चाहिए केमिकल इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को वही वाला केमिकल अब ये प्लांट की सेल बनाएंगी तो जो एक रेट्रो वायरस होता है एनिमल्स में ये तो हो गया प्लांट्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन तो प्लांट्स में यूज़ होता है इसी तरीके से रेट्रो वायरस हमने एनिमल्स में यूज़ किया रेट्रो वायरस इन एनिमल्स में एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफॉर्म करता है जो नॉर्मल सेल्स होती हैं ना उनको कैंसर सेल बना देता है नॉर्मल सेल्स हैं जो हमारे अंदर उनको कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म कर देगा चेंज कर देगा रेट्रो वायरस ठीक है तो जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टी आई प्लाज्मिड है ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला जो टी आई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो प्लांट में यूज़ किया था उसकी बात चल रही है ये तो जो ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन में उसको अब हमने चेंज कर दिया मॉडिफाई करना मीन्स चेंज कर देना क्लोनिंग वैक्टर बना दिया है अब उसको हैविंग नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट अब वो प्लांट को नुकसान नहीं करेगा ठीक है इसी तरीके से अब जो रेट्रोवायरस जो हमने अभी बात की एनिमल की नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में चेंज करता है उसको भी चेंज कर दिया क्लोनिंग वेक्टर में फॉर एनिमल्स एनिमल्स के अंदर अगर कोई हमें वेक्टर भेजना है तो हमने मतलब उस रेट्रोवायरस का यूज कर लिया उस वैक्टर की फॉर्म में अब देखिए कंपीटेंट होस्ट कैसे बनाते हैं तो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डी एन ए रिकॉम्बिनेट डी एन ए के साथ ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल जो केमिकल ट्रीटमेंट है विद डाइवेलेंट कैल्शियम आयन दिखे सिंपल केमिकल का ट्रीटमेंट किया डाइवेलेंट कैल्शियम आयन के साथ उससे क्या हुआ जो होस्ट सेल्स हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया ताकि वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाजमेट है उसको ले सकें अपने अंदर ले सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मेट है ना उसको अपने अंदर ले सके उसके लिए उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया गया किससे इंक्रीज किया सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट करवा दिया डायवेल कैल्शियम आयन के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू होस्ट ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है होस्ट सेल में कैसे इनक्यूबेट करके इनक्यूबेट करके मतलब कि आइस पे भी पहले उसको आइस पैक दिया ठीक है ठीक है पहले थोड़ी देर आइस से उसको आ, मतलब आइस पैक दिया फिर उसके बाद उसको प्लेस कर दिया ब्रीफली फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस हीट शॉक दे दिया पहले उसको आइस पैक दिया फिर उसके बाद उसको हीट पैक दिया हीट टेम्परेचर में उसको फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको रख दिया ठीक है पहले उसको ठंडा किया फिर उसको गर्म किया दे, देन फिर से उसको आइस पैक दिया फिर से उसको ठंडा किया इससे क्या होगा बैक्टीरिया जो है वो टेक ले लेगा रिकॉम्बिनेंट डी को अब देखिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड है ये इसमें क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है सेल्स के न्यूक्लियस में ग्लास माइक्रो पेपेट का यूज करके तो मतलब यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन देके तो डायरेक्टली हमने उसको जो रिकॉम्बिनेंट डी है इंजेक्ट कर दिया न्यूक्लियस में बायोलिस्टिक्स जीन गन मेथड होता है एक जीन गन होती है उससे भी क्या होता है ये डेवलप किया गया है डी आर डी एन ए रिकम्बिनेट डी एन ए को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेनली ये प्लांट सेल के लिए है रिकम्बिनेंट डी एन ए को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जीन गन मेथड जीन और पार्टिकल गन इस मेथड में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के टंजेशन के उनको कोट कर दिया जाता है डीएनए से जो हमारा इंटरेस्ट वाला डिजायरेबल डीएनए है उसको उसके ऊपर लगा दिया जाता है और फिर वो बॉम्बार्ड की जाती है सेल्स में जैसे गन से बॉम्बार्ड कर दी जाती है वो सेल के अंदर डायरेक्टली जो लास्ट मैथड है वो है डिसम्ड पैथोजन वैक्टर जैसे अभी हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी और रेट्रो वायरस में देखा था वैन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफ़र द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इन टू द होस्ट ठीक है ये क्या होता है इसमें एग्रोबैक्टेरियम प्लांट्स में यूज होता है और रेट्रोवायरस एनिमल्स में यूज़ होता है और तो इसमें क्या होता है ये अब यूज़फुल हो गए हैं हमारे लिए पहले हार्मफुल थे प्रोसेस ऑफ़ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी तो रिकॉम्बिनेंट डी एन टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स हैं कौन कौन से सबसे पहले आइसोलेट करो डी एन ए को पहचानो कि कौन सा वाला हमारा वाला डिजायरेबल डी एन ए है इसके बाद उसी डी एन ए के फ्रेगमेंटेशन करो डी एन ए की रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया फ्रेगमेंट्स में मतलब पार्ट्स में ठीक है फिर आइसोलेट करो डिज़ायर डीएनए अब वो तो पार्ट्स हो गए बहुत सारे पार्ट्स हो गए इसमें से डिजायर डीएनए जो हमारा वाला डीएनए है उसको आइसोलेट कर लो उसको अलग कर लो फिर लाइगेशन करो डीएनए फ्रेगमेंट की वेक्टर में लगाओ उसको चिपकाओ उसको लिंक करो उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट फिर होस्ट के अंदर डालो वेक्टर के अंदर डालो पहले जैसे प्लाज्मिड वेक्टर में डाला फिर उसको ई कोलाई वैक्टर ई कोलाई होस्ट में डाला था तो फिर उसको होस्ट में डालो फिर क्या करो कल्चर करो होस्ट सेल्स को मीडियम में लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर एक मीडियम बनाओ उसके अंदर होस्ट सेल्स को कल्चर करो एक्सट्रैक्शन करो फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकाल लो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक मटीरियल को निकाला जाता है फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स से बाई यूजिंग एंजाइम जैसे लाइजोजाइम का यूज़ करके लाइजोजाइम क्या करता है बैक्टीरिया की जो सेलवॉल होता है बैक्टीरिया की सेलवॉल पैप्टीडोग्लाइकन से बनी होती है उसको वो डैमेज कर देता है खत्म कर देता है लाइजोजाइम सेल्यूलेस का करता है प्लांट सेल की सेलवॉलॉल जो सेल्यूलोस से बनी होती है उस प्लांट सेल को ख़त्म करता है देखिए हमें क्या चाहिए डीएनए के अंदर ये एक बैक्टीरिया है ये इसका न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए उसका कोई पेस्ट चाहिए तो ये जो जो बैक्टीरिया के ऊपर की जो वॉल वगैरह है उस सबको भी तो खत्म करना पड़ेगा तो उसके लिए यूज किया जाता है लाइसोजाइम बैक्टीरिया में और सेल्यूलेज यूज किया जाता है प्लांट सेल में फंगाई की फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की तो उसकी सेल वॉल को हटाने के लिए काइटीनेस का यूज किया जाता है डीएनए जो सेपरेट आउट होता है अलग होता है कैन बी रिमूवड उसको रिमूव किया जाता है स्पूलिंग करके स्पूलिंग करता करते हैं आपकी एनसीआर बुक में उसकी पिक्चर भी दे रखी हुई है आर कैन बी रिमूव आरएनए को कैसे हटाएंगे आरएनए को भी तो हटाना पड़ेगा डीएनए चाहिए हमें तो उसको हम राइबो न्यूक्लियस के साथ ट्रीट करवा देते हैं राइबो न्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो आर को रिमूव कर देता है अब फिर प्रोटीन भी प्रेजेंट है प्रोटीन को भी रिमूव कराना है वो प्रोटीस से रिमूव हो जाते हैं अब कटिंग करेंगे डीएनए की एट स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक लोकेशन पे जो कटिंग होती है वो किससे होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से होती है डी कटिंग की कटर की तरह वर्क करता है वो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चेक टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एनजाइम डाइजेशन हो रहा है ठीक से या नहीं हो रहा है कटिंग करने के बाद जो सोर्स है डीएनए का एज वेल एस जो वेक्टर डीएनए है उसको स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्रॉम द सोर्स डीएनए से ठीक है अब देखिए एम्पलीफिकेशन होता है जीन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफिकेशन का मीनिंग भी क्लोनिंग करना है मतलब कि बहुत सारी कॉपीज़ प्रिपेयर करवाओ एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ डीएनए की प्रिपेयर करवाओ तो एम्पलीफिकेशन करवाएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो पी से होगा पी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें बहुत सारी कॉपीज डीएनए की या जीन की जीन ऑफ इंटरेस्ट की बन जाती हैं इन विट्रो वही लैब में बाय यूजिंग सेट ऑफ प्राइमर एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके और सेट ऑफ प्राइमर का यूज करके ये इसकी पिक्चर गिवन है आपको यहाँ ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है रीजन टू एम्पलीफाइड यहाँ पर इस रीजन को एम्पलीफाई करना है तो ये इसको हीट दी है ये थर्ड टू फाइव सीक्वेंस में यहाँ पर ये फिफ्ट टू थर्ड सीक्वेंस में प्राइमर ऐड करवा दिया अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि टेक पॉलीमरेज से लिया जाएगा प्लस डी ऑक्सीड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पर ये इसकी इस तरीके से कॉपी प्रिपेयर हो रही है और इसकी थर्टी साइकल्स मतलब थर्टी बार इसको करवा दिया तो एम्प्लीफाइड हो गया ये वन बिलियन टाइम्स ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है मीन ईच साइकिल हैज स्टेप्स एक साइकिल में इसके तीन स्टेप्स होती हैं कौन कौन सी डी नेचुरेशन प्राइमर को फिर एनीलिंग कराओ और फिर एक्सटेंशन करा दो प्राइमर का ये रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन होता है यूज़ करके थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का जो आइसोलेट एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है मतलब उसको बैक्टीरिया का नेम है थर्मा सकवाटिकस जिस बैक्टीरिया से थर्मोस्टेबल डी पॉलीमरेज निकाला जाता है डी पॉलीमरेज एक एन्जाइम है और एनजाइम हाई टेम्परेचर पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है ये इसलिए हम इसको स्पेशल एंजाइम की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये डी एन जो है ना ये एक स्पेशल

रिकॉम्बिनेट डी एन ए को इंक्लूड्स मेकिंग द रेसिपी सेल्स कॉम्पीटेंट बनाना पड़ेगा पहले रेसिपी की सेल को ताकि वो डी एन ए को रिसीव कर सके टेकअप कर सके डी एन ए को जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक इज ट्रांसफर्ड इनटू टू इकोलाई जो डी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें जीन है हमारे रेजिस्टेंस वाला बियरिंग जीन ऑफ फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है उसको फिर इकोलाई e. की सेल्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो होस्ट की सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं अब एम्पीसीन रेजिस्टेंस सेल में अब उस पर एम्पिसलिन एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अब ऑप्टेन कैसे करें फॉरेन जो जीन प्रोडक्ट है तो दो जो फॉरेन डीएनए है वो मल्टीप्लाई करता है प्लांट में एनिमल सेल्स में टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन डिजायरेबल प्रोटीन बनाते हैं उससे एक्सप्रेशन ऑफ फॉरन जीन फॉरन जीन को एक्सप्रेस करवाना होस्ट की सेल में इसमें क्या होता है ऑप्टीमाइज कंडीशन टू ऑप्टेन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उसको ऑप्टीमाइज कंडीशन देनी पड़ती है तभी हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वो दे पाएगा रिकॉम्बिनेंट की जो सेल्स हैं ेंट सेल्स जो हैं जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में लगातार उसको कल्चर सिस्टम में लैब में मल्टीप्लाई करते हैं उसके नंबर को इंक्रीज करते हैं जिसमें मीडियम इनवेज यूज्ड मीडियम इज ड्रेंड आउट फ्राम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडिड फ्राम द अदर टू मैंटेन जो यूज़ किया हुआ मीडियम होता है उसको एक साइड से बाहर निकालते रहते हैं और जो फ्रेश मीडियम है उसको फिर एड करते रहते हैं मैंटेन करने के लिए द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिव फेज़ में मैंटेन करने के लिए बायो रिएक्टर प्रोवाइड करते हैं ऑप्टीमल कंडीशन ये बायो रिएक्टर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं ऑप्टीमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अचीव करने के लिए कैसे ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन को प्रोवाइड करके टेम्परेचर पी एच सबस्ट्रेट सॉल्ट विटामिन ऑक्सीजन ये सिंपल टैंक स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर है और ये है स्पैरिंगड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल बबल्स आर स्पाज यहाँ पे स्टेराइल बबल्स यहाँ पर starched, हो रहे हैं अब देखिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में होता है जो प्रोडक्ट हमें ऑप्टेन हुआ है ना रेडी करवाया गया है वो मार्केट के लिए एकदम रेडी करवाना मतलब मार्केट में ऐसे ही नहीं बेच देते हैं रेडी करवाना पड़ता है पहले प्रोडक्ट को फिनिश्ड करवाना पड़ता है फिनिशिंग करवानी पड़ती है ये दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन किया फिर प्योरीफिकेशन किया उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सूटेबल प्रिजर्वेटिवस को ऐड करवाना पड़ता है ताकि जो सेंड फॉर क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाता है इन केस ऑफ ड्रग्स ड्रग्स के केस में बिफोर रिलीजिंग टू मार्केट फॉर पब्लिक यूज़ पब्लिक यूज़ के से पहले उसको सुटेबल प्रिजर्वेटिव एड करवा के क्लिनिकल ट्रायल पर भेज कर ये फिर उसके बाद मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है ठीक है यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच